गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आज क्लास सिक्स के चैप्टर सिक्स करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है अपना चेंजेस अराउंड अस, ठीक है। हिंदी में नाम है हमारे चारों ओर परिवर्तन। साइंस का ये छठा चैप्टर है और ये एनसीईआरटी से मैंने रेफरेंस लिया है, ठीक है। आपको मेरा इस लेक्चर सुनने के बाद एनसीईआरटी की किताब पढ़नी है और उसके बाद उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में पढ़ना है कि जो चीज़ें हैं उसमें परिवर्तन कैसे आता है, परिवर्तन में जो आता है वो स्लो आता है या फास्ट आता है, ठीक है। क्या वो जो परिवर्तन होता है क्या वो वापस आ सकता है या नहीं आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक कॉपी लिया, ठीक है। ये आपने ये एक पेज है, इसमें आपको अभी एक पूरा पेज दिख रहा है, लाइक इंडिया जैसा मैप दिख रहा है हल्का हल्का सा, ठीक है। और इसे आपने फाड़ दिया, तो क्या ये रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल है, क्या हम वापस इसे जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं। अभी ये परिवर्तन हो गया, अभी पूरा कंप्लीट में था, अभी क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस टाइप के जो परिवर्तन है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दूध है आज, ठीक है ना, आज आप 1 किलो दूध लेके आए हैं, ठीक है। फिर आपने उसे दही बना दिया, ठीक है। आप सबको पता होगा दही कैसे बनता है, मम्मी लोगों से पूछ लेना, आप बता देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो दही बन गया, दूध से जब दही बन गया तो क्या दही से हम दूध वापस बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो दूध से दही में हमने क्या क्या परिवर्तन कर दिया, ठीक है ना। तो ये परिवर्तन क्या वापस हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। पंखा चल रहा है तो क्या पंखा चल रहा है तो सब क्या रोक सकते हैं नहीं रोक सकते हैं। पंखा खराब हो गया तो बन सकता है नहीं बन सकता है, कहीं हम गए तो वापस आ सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। मतलब परिवर्तन किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपने कपूर जलाया, ठीक है, कपूर जलाया तो कपूर क्या होता है, डायरेक्ट जो सॉलिड होता है, जो ठोस होता है, वो उससे भाप में बदल जाता है। तो क्या भाप से हम वापस कपूर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, उसका हो गया। मतलब कपूर क्या था, कपूर ठोस था, पर गर्म करने पे क्या हो गया, वो भाप बन गया। तो क्या परिवर्तन हो गया, अवस्था उसमें बदल गई ना, क्या ठोस से सीधा इसमें गैस अवस्था में चली गई। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो परिवर्तन हो जाती है। तो हमें अपने चारों ओर यही परिवर्तन नोटिस करना है और पढ़ना है। तो एनसीईआरटी क्या बताना चाहती है आपको, एनसीईआरटी बताना चाहती है कि आपको बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कि कोई चीज़ कितना फास्ट हो सकता है, कितना स्लो हो सकता है, कोई चीज़ परिवर्तन हो रहा है तो क्या वापस आप चेंज ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसी के बीच में आपको बताते हैं कि परिवर्तन जो परिवर्तन है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। चलिए इसे बताता हूँ, दो तरीके से हो सकते हैं। पहला एक होता है फिजिकल चेंज, ठीक है। एक होता है केमिकल चेंज, ठीक है। एक होता है केमिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज बोले तो बताइए, फिजिकल चेंज को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, सोचिए थोड़ा सा। फिजिकल चेंज मतलब कि जो हिंदी का तो वर्ड अभी आपको बताया जाए तो जो भौतिक में चेंज होता है, इसमें भौतिक अवस्था अवस्था, ठीक है। और रासायनिक और ये केमिकल चेंज होता है रासायनिक अवस्था में, रासायनिक, ठीक है जी। रासायनिक अवस्था में जो चेंज होता है और वो फिर भौतिक में चेंज होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें हर एक चीज को ऑब्जर्व करना है कि कोई चीज भौतिक चेंज किसमें होता है, रासायनिक चेंज क्या किसमें हो सकता है। क्या भौतिक चेंज होता है, मान लीजिए भौतिक चेंज हो रहा है तो क्या हम उसे जिस अवस्था में हमने चेंज किया है क्या उसे हम वापस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। जैसे कि मोमबत्ती का जलना, मान लीजिए मोमबत्ती है ये आपकी मोमबत्ती है ये, ठीक है। मोमबत्ती आपने सबने देखा होगा, एक होती है दो होती है, ये जलती है, जलने के बाद क्या होता है आप लोगों सबको पता है, ये जलती जाती है, ये छोटी होती जाती है, छोटी होती चली जाती है और छोटी होती चली जाती है ना। तो ये मोमबत्ती क्या हो रहा है,
क्या अवस्था चेंज हो रही है इसमें? नहीं हो रही है, ये जल रहा है इसका, ठीक है। जलते जलते ये अपनी अवस्था खत्म कर देता है, मतलब अपने आप को लॉस्ट कर जाता है, ठीक है। तो मतलब इस तरह की जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें ऑब्जर्व करना है, और हमें उसे कैटेगराइज करना है कि वो भौतिक अवस्था में है या फिर केमिकल रिएक्शन में है। यदि भौतिक अवस्था में है तो क्या वो वापस हो सकता है या नहीं हो सकता, केमिकल चेंजेस में यदि केमिकल चेंज हो रहा है तो क्या हम वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारे चीज़ों को आपको अपने को पढ़ना है। तो पहले हम देख लेते हैं भौतिक अवस्था में जो चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, तो वो पढ़ते हैं पहले। तो आइए, भौतिक अवस्था क्या होता है? भौतिक अवस्था चेंज का मतलब है फिजिकल चेंज, जैसे कि अब मैं बॉडी का नहीं एग्जाम्पल बोल सकता, क्योंकि अपने बॉडी में काफ़ी केमिकल्स चेंजेस भी होते हैं, ठीक है, इसलिए बॉडी का एग्जाम्पल तो मैं नहीं दूंगा। पर मान लीजिए कि आपने आपके पास पानी है, ठीक है, आपके पास पानी है, एक कप में क्या है, पानी है, ठीक है, ये पानी है आपके पास, ठीक है जी। आपने इसे क्या किया, ठंडा किया, क्या कर दिया आपने, ठंडा कर दिया, काफ़ी कूल कर दिया। आप फ्रीज आप लोगों के पास होगा, ठीक है ना, तो फ्रीज में आपने क्या कर दिया इसे, फ्रीजर में क्या किया आपने, इसे ठंडा किया, तो ये क्या हो गया, ये बर्फ के फॉर्म में हो गया, किसके फॉर्म में हो गया, ये बर्फ के फॉर्म में हो गया, ये बर्फ, ठीक है, और ये फ्रीज है अपना, फ्रीज के फॉर्म में हो गया। पर आपने ये कब हुआ, जब आपने पानी को ठंडा किया है ना, ठंडा किया है आपने, ठंडा किया आपने, ठीक है जी, ठंडा किया। अब मान लीजिए आपने पानी को गर्म किया है, ठीक है, क्या किया, गर्म किया आपने, तो क्या होगा, इस बीकर में देखिए, जिस बीकर में आप इकट्ठा कर रहे हैं बारी बारी अब कर लीजिए, ये क्या होगा, गैस होगा, क्या हो जाएगा, गैस। तो देखिए ये पानी है, ये बर्फ है, ये गैस है, और ये क्या सब एक ही चीज़ है, गैस नहीं से भाप बोलेंगे, भाप, ठीक है, वाष्प बोलेंगे, वाष्प, ठीक है जी, वाष्प बोलेंगे, वेपर, नहीं से वेपर बोलेंगे, वेपर, वेपर है, ठीक है जी, और इसे इस तरफ हम दिखा देते हैं, वेपर है, ये वेपर हो गया, ये पानी हो गया, ये बर्फ हो गया, ठीक है। तो पानी को आपने ठंडा किया बहुत ज़्यादा फ्रीज के थ्रू, तो क्या हो गया, ये बर्फ बन गया। आपने इसे बॉईल किया, गर्म किया, तो क्या बन गया, भाप बन गया। तो ये क्या चेंज हो रहा है, ये फिजिकल चेंज हो रहा है। आप इसी इसी पानी को ठंडा, जो भाप बन रहा है उसे कंडेंस करिए, कंप्रेस करिए, तो वापस पानी बन जाएगा। जो बर्फ बना है उसको थोड़ा तापमान और ज़्यादा तापमान दे दीजिए, तो पिघल कर क्या हो जाएगा, वो वापस पानी बन जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया अपना फिजिकल चेंज का, ठीक है जी, ये बेस्ट एग्जांपल है अपना, ठीक है। और भी एग्जांपल होते हैं, पर मेरे हिसाब से ठीक है समझने के लिए अपना, कि पानी को थोड़ा ठंडा करो तो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ़ को थोड़ा सा गर्म करो, या फिर गर्म मत करो, नॉर्मल टेम्परेचर छोड़ दो तो वापस पानी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह भाप, यदि पानी को गर्म करो, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है अपने को, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बन जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे यदि गर्म कर दो पानी को, तो वो कितना हो जाएगा, वो भाप बन जाएगा, ठीक है जी, भाप बन गया। अब इसी भाप को यदि आप क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, या फिर कंडेंस कहते हैं, तो क्या बन जाता है, वो पानी बन जाता है। तो ये है अपना एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि आपने घर पर भी नोटिस किया होगा, फिजिकल चेंज का, ठीक है, भौतिक अवस्था चेंज का, ठीक है। आप लोगों को आयोग समझ में आ गया होगा वो चीज़, आगे चले केमिकल चेंज पे चलते हैं, और अगर कुछ शर्म्स है तो आपको समझा देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये होता है, ये अपना भौतिक अवस्था परिवर्तन हो गया। अब मान लीजिए आपको केमिकल समझना है, तो केमिकल का ये समझते हैं, रासायनिक अवस्था,
रासायनिक अवस्था वो अवस्था हो जाती है जिसमें चीज़ें को आप बहुत मुश्किल है कि आप वापस ला पाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपने मान लीजिए कागज को जला दिया, ठीक है ना, कागज को जो आपको मैंने कागज दिखाया था, ये कपड़े को, इस कपड़े को आपने जला दिया, ठीक है, कपड़े को जला दिया, जलने के बाद क्या हो जाएगा, क्या आप वापस इस कपड़े को बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो चीज़ हम वापस नहीं ला सकते ना, उसे हम केमिकल में डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे अंदर क्या भी हार्मोन्स होते हैं शरीर के अंदर, वो केमिकली वर्क करते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस होते हैं पर्टिकुलर चीज़ तो होते ही हैं, आप उसमें कुछ कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको मैंने बताया कि आपके पास एक कागज है, पेपर ये, ठीक है, पेपर ये कागज मान लीजिए, कागज है इसे आपने बर्न कर दिया, जला दिया, ठीक है, जला दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये राख बन जाएगा, ये राख बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज का एक एग्जांपल ही हो गया, ठीक है। दूध से दही, मान लीजिए दूध था, ठीक है, उससे आपने चेंज कर दिया, इसमें दही में बना दिया आपने, तो ये क्या है, दूध से दही बनना भी एक केमिकल चेंज ही कह सकते हैं, क्योंकि आप दही से केमिकल, दही दूध से दही बना दिया, पर आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है जी। दूध से दही नहीं बना सकते हैं, दही से दूध नहीं बना सकते हैं, दूध से दही बना सकते हैं। तो यही होता है, केमिकल चेंज इज नॉट मतलब रिवर्सिबल। अब इसी में हम देखेंगे कि हम किसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, किसको नॉन रिवर्सिबल कर सकते हैं, ठीक है। ये रिवर्सिबल होता है, दूध से दही कर सकते हैं पर दही से दूध नहीं कर सकते, एक कैसे एग्जांपल हो गया, ये हो गया केमिकल रिएक्शन का, ठीक है जी। इसी तरह और भी एग्जांपल है अपने, और भी एग्जांपल किसका ले सकते हैं, और आप लीजिए कपूर का जलना, ठीक है, कपूर का जलना हो गया, मोमबत्ती का जलना हो गया, मोमबत्ती का जलना भी हो गया जी, ठीक है। आप वापस नहीं कर सकते मोमबत्ती को जलाने के बाद, क्या मैं सोचो वापस हो गया उससे, ठीक है, मोमबत्ती का जलना हो गया, कपूर का जलना हो गया, ठीक है। ये सारे क्या हैं, केमिकल चेंज के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। अब पढ़ देते हैं रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल, इनके जो हम वापस ला सकते हैं और जो वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। देखिए अब दो तरह की होती है चीजें, या तो रिवर्सिबल होंगी या फिर नॉन रिवर्सिबल होंगी, ठीक है। तो जो रिवर्सिबल है, मान लीजिए जो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा है नॉन रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल बोलते हैं, नॉन रिवर्सिबल। तो ये पढ़ना है रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल, इसका हिंदी वर्जन बता दीजिए यदि आप लोगों को आता है तो, ठीक है। तो रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल में अंतर ज़्यादा नहीं है, मतलब यही है कि हम किसको वापस ला सकते हैं और किसी को नहीं ला सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए गुब्बारा है, गुब्बारा आपने फुलाया, ठीक है, गुब्बारा फुलाने के बाद वो फट गया, तो क्या वो आप वापस सिल सकते हैं उसे? नहीं खुल सकते, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को सोचना है हर एक चीज़ को कि कौन सा चीज़ हम परिवर्तनीय है और कौन अपरिवर्तनीय है, ठीक है, परिवर्तित और अपरिवर्तित, रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल, परिवर्तित, परिवर्तित, परिवर्तित है, ठीक है, और अपरिवर्तित, आप परिवर्तित।
इस प्रोसेस को पढ़ेंगे हम, ठीक है। यदि मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दे दूँ तो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको समझाते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। आइए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए उसी वही चीज़ है आपको जो मैंने पहले समझाया था, लिक्विड है, लिक्विड से आपने चेंज कर दिया किस में, लिक्विड से आपने चेंज किया है वेपर में, ठीक है जी, वेपर, वेपर में कर दिया, ठीक है। और वेपर से फिर लिक्विड में, अब इसे एरो ऐड का मतलब ये होता है, अब यहाँ पे जब हम लिक्विड से वेपर में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या देंगे, हीट देंगे। जब वेपर से लिक्विड में कर रहे हैं, ठीक है, वेपर से लिक्विड में कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कंडेंसेस करेंगे, कंडेंसेशन मतलब सघन, सघन, ठीक है। और यहाँ पे हीट, गर्म, ठीक है। ये टर्म से आपको सीखने ही सीखना है, लिक्विड से वेपर में हमने कन्वर्ट किया कैसे, हीट देके, और वेपर से वापस लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड बोले तो तरल, तरल एग्जांपल जैसे पानी, ठीक है, एग्जांपल है पानी, तो वेपर या वाष्प में, ठीक है। तो लिक्विड से आपने गर्म दिया तो वेपर में, अब वेपर से वापस लिक्विड में, ठीक है, कैसे, हीट दिया तो वेपर बन गया, और सघन किया तो मतलब कंडेंसेशन किया तो वापस पानी बन गया। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये किसका एग्जांपल हो गया, रिवर्सिबल का, किसका हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस का हो गया, ठीक है जी। अब नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस का देख रहे हैं, ये इसका एग्जांपल और भी देख लेते हैं, और क्या क्या हमारा एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, और दिया हुआ है हमारा सब्लिमेशन, ठीक है। सम्लीवेशन का क्या होता है, आपको सम्लीवेशन वर्ड सीखना है, सम्लीवेशन बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसे हम, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कपूर जो है वो सीधा, इसका एग्जांपल ऊपर ले रहे हैं आपको, पता नहीं नजर आएगा नहीं आएगा, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन बोले तो उर्द पातन, उर्द पातन, ठीक है, उर्द पातन है, उर्द पातन बोले तो जो ठोस, ठोस से सीधा गैस में, ठीक है, और ठीक है, और जो सीधा ठोस से गैस में चला जाता है, ठीक है, और ये गैस से यदि ठोस में वापस आ जाता है, जैसे कि उनका उदाहरण है कपूर को हम वापस नहीं ले सकते, पर मैं सब्लिमेशन शब्द को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सीधा ठोस से गैस से बदल जाए उसे बोलते हैं हम क्या, सब्लिमेशन, और जो पातन, ठीक है। उदाहरण है कपूर, मैं और ठीक है अभी आपके कक्षा में यही पढ़ने पाए, ठीक है, कपूर इसका उदाहरण हो गया आपका, और यही आपको अभी पढ़ने पाया सम्लिमेशन के लिए। और इसी को यदि हम गैस से वापस ठोस में करते हैं तो वो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। पर इस अब आप सोचेंगे कि हम इसे सम्लिमेशन क्यों कह रहे हैं, है ना, सम्लिमेशन इसे कह रहे हैं, ऊर्ध्वपातन सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि जो नॉर्मल प्रोसेस है वो आपको समझा दूँ मैं। नॉर्मल प्रोसेस ये होता है हमारा, ये हमारा क्या है, एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल बोल दीजिए आप इसे, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस में होता है जो ठोस होता है ना वो पहले लिक्विड में बदलता है, तरल में बदलता है, ठीक है, तरल जो है फिर गैस में बदलता है, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है हमारा। पर नॉर्मल प्रोसेस
और यही प्रोसेस क्या है, ये बाईपास हो गया तरंग से, यहाँ ठोस से तरंग नहीं बदला, सीधा गैस बदल गया, इसके से सम्यूवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ये पेपर में जरूर आता है, ठीक है। तो रिवर्सल में मैंने आपको रिवर्सल भी समझा दिया, ठीक है, ये कैसे कर सकते हैं। अब अपने को समझना है नॉन रिवर्सल, ठीक है, जो वापस नहीं आ सकता है। रिवर्सल प्रोसेस ज़्यादातर जो है ना वो फिजिकल में होता है, किसमें होता है, फिजिकल चेंज में होता है। और नॉन रिवर्सल किसमें होता है, नॉन रिवर्सल होता है अपना इसमें केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अपने को करना है केमिकल रिएक्शन, सॉरी नॉन रिवर्सल, नॉन रिवर्सल, नॉन रिवर्सल प्रोसेस तो आपको मैंने बताया है काफ़ी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि आपने अभी बताया था कागज़ को फाड़ देगा तब भी हो जाएगा, कागज़ को जला देगा तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। यदि किसी चीज़ में जंग लग जाए वो भी हो जाएगा, दूध से दही का एग्जांपल है, ठीक है। प्लांट एनिमल और ह्यूमन का ग्रोथ करना वो भी एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या हुआ कि आप बड़े हो गए, ठीक है, ग्रोथ हो गई आपकी, ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ हो गया, एनिमल हो गया, ये सारे बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, क्या हम छोटे वापस हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। मैंने पहले पहले बोला था कि हम फिजिकली दिखते हैं कि चेंज हो रहे हैं, पर वो केमिकली चेंज है समझिए, ठीक है, क्योंकि हम वापस नहीं हो सकते चीज में, तो नॉन रिवर्सिबल है, ठीक है। ह्यूमन ग्रोथ, ठीक है, या फिर एनिमल बोल लीजिए, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ये सारे केमिकल चेंज में नॉन रिवर्सल में आ सकते हैं, ठीक है, आ जाएंगे, क्योंकि वापस ले सकते हैं, जो बड़े हो गए वो हो गए। उसके बाद अपना हम कैसे जो होता है दूध से दही बनना, पहला एग्जाम्पल, दूसरा या दूध से दही बनना, ठीक है। तीसरा हो गया अपना दूध से दही बनना हो गया जी, कागज़ का जलना हो गया, इस तरह के आप एग्जाम्पल खुद भी सोचिएगा घर पे बैठे के, ठीक है, कि और इरिवर्सिबल को हम क्या कह सकते हैं या फिर नॉन रिवर्सिबल को, ठीक है ना। और नॉन रिवर्सिबल को हम और क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल, अब वो बता देता हूँ मैं, इरिवर्सिबल, ठीक है, बाकी तो बस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये चैप्टर में ये सारी चीज़ें हैं, और लोहे का जंग लगना भी एक एग्जांपल है, जो मुझे याद आ रहा है मैं लिखते जा रहा हूँ, बाकी आप अभी भी सोचिएगा, लोहे में जंग लगना, जंग लगना आपने देखा होगा आपके घर में, जो यदि कोई लोहे का चीज़ है उसमें जंग लग जाता है ना, तो क्या वो वापस जंग छूट तो जाता है, पर वो मेटल उतना क्या होता है ख़त्म हो जाता है ना, हल्का हो जाता है। मान लीजिए 2 किलो का मेटल था, रश लग गया, आपने रश छुड़ाया, अब वो 1.5 किलो का हो गया, तो आधे किलो कहाँ गया, वो वेस्ट हो गया ना हमारा। ये थोड़ा ना कि हमने सफ किया तो मेटल वापस आ गया, मेटल खत्म हो गया, इसका मतलब जंग जो है लोहे के लिए नुकसान होता है, ठीक है। हम उसे जो जंग लग गया उसे रिवर्स नहीं कर सकते, तो ये रिवर्सिबल है, वो नॉन रिवर्सिबल, ठीक है ना, तो केमिकल चेंज में ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया अपना प्लांट ग्रोथ बता दिया आपको मैंने, ठीक है, और बाकी एनसीईआरटी में छोटे छोटे और एग्जांपल भी दिए हैं आपको, ठीक है, कि पौधों का बढ़ना है तो किस तरह बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, इतना नहीं बताया हुआ आप लोगों को, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता देते हैं कि कोई प्रोसेस फास्ट है या स्लो है वो कैसे मालूम पड़ेगा आपको, जैसे कि ह्यूमन का ग्रोथ है, जो हमारा ग्रोथ है, क्या वो फास्ट है या स्लो है, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है या कम समय लग रहा है, बताइए। ज़्यादा समय लग रहा है ना, हम 20 साल 22 साल के होते हैं तब जाकर हम पूरे जैसे बड़े हो जाते हैं, है ना, तो समय लगता है साल में, यानी कि क्या हमें पढ़ना है यहाँ पे कि कोई प्रोसेस प्रक्रिया
ज़्यादा समय लेती है, ज़्यादा समय लेती है या कम लेती है, ठीक है। यह वर्गीकरण करना है, वर्गीकरण करना है। इसके बाद इसके ऊपर भी सोचना है, ठीक है। जैसे कि मोमबत्ती, मोमबत्ती ने अपनी अवस्था बहुत जल्दी बदल दी। मोमबत्ती को आप जलाइएगा तो हद मार के कितना जल जाएगा, 15-20 मिनट में जलेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। तो बहुत फास्ट प्रोसेस है। दही का जमना बताइए, जल्दी का प्रोसेस है, लेट प्रोसेस है। क्यों है? क्यों? क्योंकि आपने आज दही गर्म, दूध गर्म किया, ठीक है, फिर उसमें आपने जो दही जमाने के लिए प्रोसेस है उसमें हल्की सी आपने क्या कर दिया, लस्सी डाल दिया और उसके बाद रख दिया। तो अगले दिन जाके मिलता है हमें क्या, दही मिलता है। इसका मतलब क्या है कि 24 से 25 घंटे उसे चाहिए था दही जमने के लिए एक बार टेम्परेचर में, है ना। तो वो एक लंबा प्रोसेस हो गया। दिन का रात बदलना ये कैसा है, हम मान लीजिए आपसे पूछता हूँ कि दिन और रात के बारे में बताइए कि ये कैसा प्रोसेस है, तो ये भौतिक अवस्था है, ठीक है ना। और दूसरा क्या ये तेजी से होने वाला प्रोसेस है या फिर लेट से होने वाला है, तो ये धीरे होने वाला प्रोसेस है, क्योंकि 12 घंटे में दिन और 12 घंटे बाद रात होता है, ठीक है। और इसी तरह और भी सोचिए कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे फिर वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो भौतिक अवस्था में चेंज है या नहीं है ये सोचना है अपने को, ठीक है। कोई प्रोसेस कितना फास्ट है स्लो है ये सोचना है, मोमबत्ती का जलना, दिए का जलना, ठीक है, लोहे में जंग लगना, ठीक है, कपड़े सूखना या नहीं सूखना, ये है। जैसे कि आपको मैंने एक एग्जांपल बीकर देकर बताया था कि जो पानी है वो थोड़ा गर्मी के साथ गर्मी मिलता है तो वो वेपर में बदल जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा अपने आपके कपड़े में, कैसे, ठीक है। इसका तो मैंने आपको बता दिया कोई रेट फास्ट या स्लो इस तरह दे सकते हैं कि टाइम ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, गीले कपड़े में पानी होता है, ठीक है, और कुछ देर बाद वो सूख जाता है ना, तो सूख जाता है और कुछ देर बाद वो सूख जाता है, तो जो सूख जाता है तो पानी कहाँ गया, तो पानी क्या हुआ, जो सूर्य से हीट मिली उससे वो वेपर बन के वो एटमॉस्फेयर में चला गया, है ना, वायुमंडल में चला गया। तो किसका एग्जांपल हो गया, वो फिजिकल चेंज हो चुका है वहाँ पे, हो गया ना। अब वही जो पास पे ऊपर जाएगा फिर सघन हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, और फिर वो जो रेन के फॉर्म में वापस नीचे आ जाएगा, रेन के फॉर्म में तो वर्षा के फॉर्म में नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आपको डेली प्रक्रिया में ना बातें सोचनी है कि क्या होता है क्या नहीं होता। मान लीजिए आप सिर्फ दूध को गर्म कर रहे हैं तो क्या वो फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है या कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अब मैंने तो कहा आपको दूध से दही के लिए, मान लीजिए दूध से दही नहीं करना, दूध गर्म करके आपको पीना है तो कोई अवस्था चेंज हुई, नहीं हुई है, ठीक है। इस तरह हर एक स्टेप आपको सोचना है, और बस आपको इतना ही ट्रांस करना है अभी क्लास 6 के चैप्टर 6 में हमारे चारों ओर परिवर्तन में, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आप थोड़ा ध्यान से पढ़ दीजिएगा, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग मारिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, धन्यवाद।